के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए अलग अलग राज्य से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं शांतनु ठाकुर जी, जो कि वेस्ट बंगाल से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, आप पश्चिम बंगाल आए हुए हैं, आप लखनऊ आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी आई थी। ममता बनर्जी ने यहाँ पर आकर बोला था कि खेला हुए, और इसके पहले अखिलेश यादव ने भी खदेड़ा हुए का नारा दिया था। आपको क्या लगता है? देखो, देखिए, ये ममता बनर्जी आके यहाँ बोल के गए हैं खेला हो, और मैं बोलता हूँ एखाने खेला होबे ना, क्योंकि ये यूपी है, ये बंगाल नहीं है। बंगाल के जनता का एक टाइप था, यहाँ का लोगों का टाइप अलग है। बंगाल के लोगों ने ये इंटरेस्ट नहीं लिया है कि केंद्र और राज्य का जो डुअल इंजन होता है इसका कितना ताकत होता है। लेकिन माननीय जोगी जी ने दिखा दिया है, डुअल इंजन जब होता है तब इतना ताकत होता है कि यूपी में इतना बड़ा संतरास था उसको पूरा डिफीट करके आज एक संतरास मुक्त आज यूपी बना दिए हैं। सर, क्राइम की जब बात आती है, ममता बनर्जी ने क्राइम की भी बात की थी, तो आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, आपको क्या लगता है कि यूपी और पश्चिम बंगाल यहाँ पर क्राइम किस कहाँ पर ज़्यादा है और कौन सी सरकार अच्छा कंट्रोल कर रहा है? तो पहले माननीय मुख्यमंत्री ऑफ वेस्ट बंगाल को बोलूँगा, आपके वहाँ संभाले, आप दूसरे के जगह में मत जाइए, आप वहाँ संभाले पहले, क्योंकि बंगाल में जो चल रहा है ना वो सब जानते हैं और यूपी में जो संभाले गए हैं वो भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जोगी जी का सरकार इस बार आने वाले हैं, मैं एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और उनका ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पर खेला नहीं होगा। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश चाको, HWD News पर।